आज हम आपके लिए लाए हैं अभिमंत्रित गुरु प्रसादम। ये 100% प्रकृतिम एवं सुरक्षित हैं, आप इसे बेझिझक ले सकते हैं। ये गुरु प्रसादम 51 बीमारियों के लिए, यस 51 बीमारियां आप इस अकेले इसका सेवन करने से 51 बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं। 51 बीमारियां जैसे कि छोटी मोटी बीमारियां, सिर दर्द, जुकाम, पेशा, बदहजमी, पेट में गैस और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, पैरों में दर्द, ऐसी बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं। ये गुरु प्रसादम हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए गुरु प्रसादम ऐसा है सर। सामग्री आप इसे बेझिझक ले सकते हैं, इसमें ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। ये 100% प्रकृतिम एवं सुरक्षित है, बेझिझक ले सकते हैं। आपको बता देते हैं इसमें कौन कौन सी सामग्री है। अजवाइन, तुलसी, ब्रह्मी एवं सौंफ। सेवन करने की विधि हम आपको बता देते हैं, आप इसे कैसे आपने लेना है। रात को खाना खाने से पहले आप कांच के बर्तन में, जैसे कि ग्लास में, कांच के ग्लास में आपने एक चम्मच गुरु प्रसाद, पहले पहले आप चाहे एक चम्मच डाल सकते हैं या आधा चम्मच डाल सकते हैं। कांच के ग्लास में एक या आधा चम्मच गुरु प्रसादम डालना है और उसमें ग्लास में उबलता हुआ गर्म पानी डाल देना है ग्लास में, और उसे ढक देना है 50 मिनट के लिए, उसे ढक देना। और खाना खाने के 50 मिनट के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। सेवन करने के बाद अगला दिन पूरा पूरा दिन आपको पानी पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पीना है। आपको बता ही दिया है इससे कौन सा बीमारियाँ आपकी दूर हो जाती हैं, पर चेतावनी भी है दी हुई है गुरु प्रसादम की तरफ से। अगर आप गुर्दे के पेशेंट हैं तो आपको ये नहीं लेना, अगर आप गुर्दे के पेशेंट हैं तो आपको ये नहीं लेना। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि गुर्दे का प्रसाद, गुरु प्रसादम की तरफ से गुर्दे का प्रसाद। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको ये क्या करना है, इसमें सौंफ है, अजवाइन है, अजवाइन को आपको नहीं खाना है, सिर्फ उसका पानी छान कर पी लेना है। और जैसे कि आपने देखा इसकी सामग्री कैसे सेवन करना है और चेतावनी, इससे 51 बीमारियां दूर हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे गुरु प्रसादम की तरफ से अलग अलग तरह के प्रसाद, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।